श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? आज मेरी सुबह सुबह की ब्लॉगिंग हो रही है, सुबह के नाश्ता बनाने से। सुबह उठ के सबसे पहले नहाया, पापा ने पानी गर्म किया था, नहाने धोने के बाद चाय पी ली, और चाय पीने के बाद सीधे मैं बना रही हूँ नाश्ता। पापा बाजार जा रहे हैं कैंटीन, तो मैं बना रही हूँ नाश्ता। आज बना रही हूँ मैं चूल्हे लकड़ियों में खाना। तो सुबह सुबह हम लकड़ियों में बनाते हैं, दिन के चावल गैस में बनाते हैं, शाम का भी लकड़ियों में ही बनाते हैं। सब्जी कल की है और आटा भी कल का गूदा हुआ था, और मैं अब बना रही हूँ रोटी। लकड़ियों में खाना बनाया था और उसके बाद यहाँ पे पुताई करी थी और पोछा कर दिया। खाना अभी बाद में खाएंगे, अभी अब मम्मी ने आ रखे हैं। जैसे मम्मी आएंगे तब तक मैं बर्तन धो लेती हूँ, थोड़ा दाला बना देती हूँ। ये है मेरी बेटी, क्या कर रहे हो? कहाँ से आए थे? कहाँ था? अम्मा के साथ। अम्मा क्या कर रही है? गई है। अरे पोछा कितने गई है? मम्मी गई है पोछा फेंकने, पोछा निकाल रहे थे। मैंने कहा मैं निकालूंगी, तो उन्होंने कहा तू रोटी बना, मैं निकालती हूँ गोबर। तो मैंने रोटी बनाई, अब मैं बर्तन धोती हूँ, उसके बाद खाना खाएंगे, ठीक है? जब तक मम्मी आते हैं तब तक मैं बर्तन धो लेती हूँ, फिर उसके बाद नाश्ता करेंगे। और यहाँ पे मैंने बना दिया दाल आज साइड को नीचे। इस ब्लॉगिंग में मैं दिखाऊंगी आपको मम्मी को, और बर्तन धोली है ना ना के ना। मम्मी पूछ रहे हैं क्या खाओगे रोटी के साथ, दही छाछ? तो उनको तो पता नहीं होगा, बहुत कम रहते हैं सोशल मीडिया में एक्टिव, तो उनको पता भी नहीं होगा ब्लॉगिंग क्या होती है। मम्मी को मैं बताऊंगी, उनको ब्लॉगिंग करती हूँ, देखती हूँ क्या बोलते हैं। बर्तन बर्तन धो लिए, अब रोटी खाते हैं हम लोग। तो आ रहे हैं मम्मी भी, मम्मी का रिएक्शन क्या रहता है, क्या बोलते हैं वो। आ तू कब ले लिया तो? हेलो गाइस को, हेलो गाइस को, कदम मजा ज्योति बनू रहे शो बनू रहे ब्लॉग। अरे बताइए मेरी आमा है, बोल हेलो। हेलो बोल। हेलो गाइड, गाइड को ना लिखे गाइज 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 रोट खा। ये ब्लॉग बनाऊंगे हम लोग आदि मुंशी, हम फिर क्या काम करेंगे रोज बताऊंगा। फिर आदि चैनल सब्सक्राइब करा जो देखा ला कि मिल सब है मैं पैसा मिला ला आदि। बता ये मेरी मम्मी है, ये मेरी आमा है, बोल। ये मेरी मम्मी, ये मेरी आमा। और हम क्या कर रहे हैं? रोटी खा रहे हैं। खाना खा रहे हैं ना? रोटी खा रहे हो? और काम हो गया अब हमारा, अब होगा झाड़ू पोछे का। टीहू को बुखार आ रखा है, बुखार दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, तो आमा इसकी वहां ले जा रहे हैं छोल बगाने। इसको दिखा के आते, एक बार छोल तो नहीं लगा, कोई आमा टीका लगाती है, एक बार वहां ले जा रहे हैं इसको। पीहू मम्मी लोग चले गए वहां दूसरे गांव,
अब मैं गायों को पानी दूंगी। ये गिट्टी है, गिट्टी मैं डालूंगी गर्म पानी में। थोड़ी देर इसको भीगने के लिए यहीं रख देती हूँ, तब तक मैं कुछ और दिखा लेती हूँ आपको। अब मैं दिखाऊंगी आपको अपना घर। ये आगे है लैट्रिन, दो लैट्रिन बाथरूम, दो लैट्रिन है और एक बाथरूम है। यहाँ पे एक किचन है, यहाँ पे किचन है, ये वाला किचन है। और किचन से यही सीढ़ियाँ, सीढ़ियों से अंदर को एक ऊपर जाता है ये। तो ये हमारा है, मेहमानों के लिए बना रखा है ये वाला कमरा। और उसके बगल में है मेरी देवरानी का, और उधर वाला है पुराना घर। और ये रहा यहाँ पे मेरा कमरा, ये वाला मेरा है। और ये वाला एक दूसरा किचन है जहाँ पे हम लोग चाय वाय बनाते हैं, दूध गर्म करते हैं, ऊपर वाला देवरानी का। और इसी के बगल में एक नीचे वाला है, ये मम्मी पापा सोते हैं। इसके अंदर एक और है, एक और है, वहाँ पे अपना सामान वामान रखे रहते हैं। और ऊपर ये वाला एक पुराना है, बड्डी अम्मा सोती थी यहाँ पे पहले, उन्हें मरे हुए हो गए 2 साल। अब यहाँ पे हमारा है राशन पानी जो भी रखा है, कपड़े वपड़े इसी के अंदर हैं। एक दो है इसके अंदर, एक बाहर वाला है, एक अंदर वाला। और ये रहा पूरा। आगे साइड ये है बगल में चाची लोगों का घर। के आगे हमारा दिखता है ये वाला पहाड़। अभी झाड़ू पोछा करना है और गायों को पानी देना है। अभी दूंगी मैं उनको पानी, तब तक बंदर आए हैं, बंदरों को भी देखना है। प्याज बो रखा है, कहीं प्याज ना खा दे। ये चाची हैं एक बगल की, तो यहाँ नीचे नीचे मजाक कर रहे हैं, वीडियो बना रही है करके चाची लोग। तो यहाँ पे प्याज बो रखा है, प्याज में बंदर तो नहीं आ रहे करके देखना है। इसके आमा और पीहू उधर पहुंच गए, तो मैं यहाँ पे अब बंदर भी देखूंगी और घर का काम भी करूंगी, झाड़ू पोछा है अंदर का भी। ये आम तो करने दे हमको। ये है तो भगाने दे पहले। चाची लोग हैं ये, सास कम दूर हमारे, ये पड़ोसी है हमारे, पड़ोस वाले। अरे परसों गाड़ते हुए दिखाया जी ने, यो तब तो पता चलो जो घर के क्या काम हो चुके। हेलो गाइस को, ये बुढ़ी दोस्ती ज्यादा है बोल। ये चाची है मेरी, मजा क्या चाची। हाँ थला दो रही है बोल। हाँ कहो तुम्हें को। अलता का थला दो रही हूँ मैं। हेलो गाइस, मैं अलता का थला दो रही है, पीला पीला हुआ है। हाँ बंद। अब मैं पानी देने जा रही हूँ गायों को। नीचे हम रहते हैं, गाय का ऊपर बना रखा है, तो ऊपर घर ले जाना पड़ता है यहाँ नीचे से। यहाँ पे है गाय बांधने वाला हमारा, ये है हमारी चनी गाय, और इसको बोलते हैं ढोली गाय। इन दोनों का नाम रखा है, दो गाय हैं। और ये है यहाँ बकरियों का, दो ही बकरी हैं ये। पहले बहुत सारी बकरियाँ थी, अब जब से हम बाजार गए हैं अब दो ही रखी हैं। गाला जाने वाला कोई है नहीं, तभी इनको घर में बांधे रहते हैं। बगल में चाची लोग हैं, हाँ तो उनके साथ लगा देते हैं। छो आजकल हरा कुछ है नहीं इनको देने के लिए, तो थोड़ा थोड़ा मम्मी लेके निकाल के लाई हैं घास, ये हरा वाला और ये सूखा वाला। इन दोनों को मिक्स करके डाल देती हूँ।
इनको घास डाल दिया। अब चली मैं बंदर देखने, कहीं खेत में बंदर ना ही आ गए हूँ। आपको दिखाती हूँ अपने गार्डन क्या क्या बो रखा है पापा ने। ये रहा धनिया, प्याज, और ये है पालक, प्याज, गोभी भी वो रखी है यहाँ पे, धनिया अच्छा खासा और है, और ये मेथी, और इधर वो रखा है ये लहसुन, और इधर पे है फिर से यहाँ पे प्याज बो रखा है, यहाँ पे गन्ने भी हैं, और आगे वो रखा है जौ। नीचे वाले खेतों में मसूर है, वो बंदर आ रखे हैं। बंदर हमको देख के तो डरते नहीं है, पापा के पास तो बंदूक है तो थोड़ा बंदूक से डर जाते हैं, हैं? बंदर यहाँ पे दिख रहे हैं नीचे पे, बंदर भागेंगे नहीं, अभी तो थोड़ा नीचे आई हूँ तो जाते ही नहीं है बंदर हमको देख के। अगर हम खेत में बैठे रहेंगे तो तभी खेत में नहीं आते, वरना हम थोड़ा भी इधर उधर चले गए तो खेत में भर जाते हैं। पापा तो बंदूक से डराते हैं तो उनको देख के दूर से ही डर जाते हैं, आवाज़ सुनते ही भाग जाते हैं। आज पापा गए हैं कैंटीन तो हमें बैठना पड़ेगा अब खेत में। हम शाम का खाना बना रहे हैं, मम्मी ने काट दिया सब्जी। सब्जी क्या काटी है मम्मी? सब्जी आलू प्याज और बड़ी भिगा रखी है, ये रही बड़ी की सब्जी। अब मैं सब्जी बनाती हूँ, रोटी बाद में बनाएंगे। और मम्मी ने सब्जी काट रखी है, अब मम्मी गाय को घास डालने जाएगी, तब तक मैं सब्जी बनाती हूँ, फिर आएंगे, फिर साथ में रोटी बनाएंगे। हमारा शाम का खाना भी लकड़ियों में ही बनता है। ये रही सब्जी, दिन में मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई क्योंकि खेत में बंदर आ रहे थे, थोड़ा सा किया था, बंदर बनाते बनाते टाइम नहीं मिला था। आज साथ में खाना वाना भी बनाना चल रहा था, पापा गए थे घर के कैंटीन सामान लेने। सब्जी चढ़ा दी है चूल्हे में, जब तक सब्जी बनेगी तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ। आटा थोड़ा ज़्यादा गूंथ रही हूँ, सुबह के लिए हो जाएगा, क्योंकि गांव में तो अभी टाइम हो रहा है 6:30-7 या 8 बजे तक हमारा खाना पीना बच जाएगा और हम खा के सीधे अंदर चले जाएंगे 8 बजे। 8 बजे से पहले भी चले जाते हैं सोने के लिए। पापा मार्केट से जस्ट अभी पहुँचे हैं, दिया जला रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा मछली लेके आए हैं, हमने तो सब्जी बना दी है, बस पापा मछली बनाएंगे तो हम बनाएंगे, पूछती हूँ तब तक माटा। तो यहाँ पर पापा भी आ गए हैं किचन में, और नातने के साथ आमा वो दोनों गप्पे लगा रहे हैं और हंसी मजाक चल रही है। मैंने चुपके से ब्लॉग बना लिया, अब सब मिल के खाना खाते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही।